कोरोना संकट को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के सभी विधायकों से चर्चा की। सभी विधायकों ने सीएम गहलोत को अपने क्षेत्र की स्थिति से अवगत भी कराया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा कांग्रेस के सभी विधायकों से कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहा। इस बैठक में सीपीएम आरएलपी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी जुड़े। सीपी जोशी ने सीएम को इस पहल पर धन्यवाद दिया। सीपी जोशी ने कहा कि नेताओं की जिम्मेदारी है कि लोगों के मन से डर निकाले, सावधानी जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के बिना काम नहीं चलेगा। राज्य में एक भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। सीएम गहलोत की वीसी में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों की तारीफ करते हुए कटारिया ने कुछ सवाल भी उठाए। कटारिया ने कहा कि निचले स्तर तक की मॉनिटरिंग की जाए, नीचे के अफसर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, हमें डिटेल दी जाए ताकि संतुष्टि हो सके। प्रदेश में 16 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले खरीफ फसली ऋण के तहत किसानों को 25% ऋण बढ़ाकर दिया जाएगा। इससे खरीफ 2020 में करीब 8,000 करोड़ का ऋण वितरित होगा, जिससे प्रदेश के 20 लाख किसानों को लाभ मिलेगा ब्याज मुक्त। राज्य सरकार किसानों की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले 1 माह में 700 करोड़ रुपए का भुगतान और करेगी, जिससे किसानों को लंबित क्लेम के भुगतान मिल सकेगा। मार्च अप्रैल के पानी के बिलों को स्थगित किया गया है। बिजली लॉकडाउन के समय और अप्रैल माह का बिल स्थगित। एमएसएमई इकाइयों के लगभग 1.68 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। नॉन रेजिडेंशियल कनेक्शंस, मॉल दुकान इत्यादि फिक्स चार्जेस को डेफर किया गया है। उचित मूल्य दुकानदारों को खाद्य सामग्री साथ ही स्वच्छता उत्पादों की बिक्री के लिए किया गया अधिगत। बढ़ती गर्मी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जलदाय तथा जल संसाधन विभाग से समीक्षा बैठक के पश्चात मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेयजल व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए, पढ़ते हमने इसकी वीसी की है तथा इस हेतु संसाधनों की कोई कमी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य विभागों के साथ बैठक की जा रही है। लॉकडाउन 3 जिलों में हमने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उद्योग फैक्ट्रियों इत्यादि पुनः प्रारंभ करवाई है। इस हेतु हमने सभी व्यापारी वर्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता कर सुझाव, समस्याओं, आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।